तो मोदी मोदी वाकई हो रहा है अब चारों तरफ। इस बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हार स्वीकार कर ली है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन आगे भी जारी रहेगा और आने वाली सरकार समाजवादी सरकार से बेहतर काम करेगी। लगातार हम लोगों ने उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया है। सरकार से बाहर हैं हम। मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो सरकार आएगी समाजवादी सरकार से भी बेहतर काम करेंगे। हमारी सरकार से अच्छी सड़कें बनाएंगे, जनता और जो हर वर्ग के लोग हैं उनको ज़्यादा सुविधाएं देने का काम भी सरकार आने वाली करेगी। मैं इस समय आपका भी धन्यवाद दूंगा कि चुनाव में आप और हम लोग जगह जगह मिलते रहे, आपकी वजह से हमारी बातें भी पहुंचती रहीं जनता को तक। मैं एक बार फिर जनता को बधाई देता हूँ कि उन्होंने जो निर्णय लिया है, लोकतंत्र में यही निर्णय होता है, हम उस निर्णय को स्वीकार करते हैं। ठीक है, तो लोकतंत्र में जो जनता का फैसला है हम उसको स्वीकार करते हुए ये अखिलेश यादव और एक राइट स्पिरिट, एक अच्छे स्पिरिट में देखा जा सकता है उनका ये बयान। लेकिन आगे बढ़ते हैं, यूपी उत्तराखंड में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत ने विपक्षी खेमे में खलबली मचा दी है। सपा बसपा कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया तो विपक्ष से ये आवाज भी उठने लगी है कि 2019 में भी मोदी के सामने टिक पाना मुश्किल है। ग्यारह मार्च को चुनाव के नतीजे आएंगे। सपा बसपा कांग्रेस सुपड़ा साफ होने वाला है। पीएम मोदी की भविष्यवाणी सही निकली। उन्होंने एक पुरानी कहावत ही गेम ही सॉ एंड कॉन्कर्ड को सही साबित कर दिखाया। यूपी की जीत ने मोदी का कद पहले से भी कहीं ऊंचा कर दिया है। या कहें कद ही नहीं ऊंचा किया बल्कि विपक्ष में मोदी का खौफ भी पैदा कर दिया है तो गलत नहीं होगा। देश भर में आज ऐसा कोई नेता नहीं है जो 2019 में मोदी और भाजपा का मुकाबला कर सके। ऐसे में हमें 2019 को शायद भूल जाना चाहिए और 2024 की तैयारी शुरू करनी चाहिए। प्रधानमंत्री बनने के 2.5 साल बाद भी मोदी का जादू बरकरार है, ये यूपी की जीत ने साबित कर दिया है। सही मायने में इसे लहर नहीं सुनामी कहना ज्यादा दुरुस्त होगा। लगभग सभी विशेषज्ञों विश्लेषकों ने उत्तर प्रदेश में इस लहर को कैसे छोड़ दिया, ये सुनामी है ना कि एक छोटे से तालाब में लहर है। यूपी फतेह ने एक बार फिर सियासत में पीएम मोदी के वर्चस्व पर मुहर लगा दी है। इन चुनावों ने पीएम मोदी के नोटबंदी और सर्जिकल स्ट्राइक जैसे सख्त फैसलों पर भी मुहर लगाई है। इसके साथ ही ये साबित हो गया है कि भारतीय राजनीति का हालिया दौर मोदी का है। बीजेपी के इस जीत ने विपक्ष को धराशायी कर दिया है, इसमें दो राय नहीं। मोदी के करिश्मे के आगे राहुल गांधी, अखिलेश यादव, मायावती फीके पड़ गए, बल्कि उनकी लीडरशिप पर भी सवाल खड़े होंगे, इसमें दो राय नहीं। तो मान लिया जाए कि विपक्ष ने 2019 के लिए मोदी को वॉकओवर दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इसी पर एक छोटा सा रिएक्शन अनिल आनंद जी से लेते हैं। अनिल आनंद जी, क्या लगता है वाकई वॉकओवर मिल गया 2019 का? देखिए, राजनीति में 2 साल का अरसा बहुत लंबा अरसा होता है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं। मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की लीडरशिप में बहुत प्रखर होकर निकली है। उत्तर प्रदेश जो कि 80 MP भेजता है लोकसभा में, और पिछले इलेक्शन में भी 71 के करीब उन्होंने MP जितवा के भेजे भारतीय जनता पार्टी के। तो मुझे लगता है अगर 2 साल या अभी 3रा साल चल रहा है, 3 साल के बाद भी उत्तर प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रति और मोदी जी के प्रति अगर वही अभी समर्थन बरकरार है तो इस चीज को मानना चाहिए कि वो बहुत मुश्किल होगा अपोजिशन के लिए उनको काउंटर करना। लेकिन ये फिर डिपेंड करेगा कि मेन अपोजिशन दल जो है किस तरह अपने आप को वो तैयार करते हैं उस चुनाव के लिए, क्या अकेले करते हैं, क्या महागठबंधन की ओर चलते हैं, जिसका कि मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा पहले से आसान हो जाएगा महागठबंधन करना मायावती जी की बुरी परफॉर्मेंस के बाद। अगर वो अपने आप को लामबंद कर सकते हो, कुछ अपने ईगो पीछे रख के एक महागठबंधन की तैयारी करें तो मुकाबले की एक स्थिति बन सकती है, अन्यथा मुझे लगता है कोई मुकाबला कोई खास रहेगा नहीं मोदी जी के लिए।
ठीक है, तो यहाँ कहीं ना कहीं अभी वेट एंड वॉच की स्थिति अपनाए तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन फिर भी बीजेपी को एक एज मिलता है इस बिल्कुल मैंडेट के बाद जो नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन क्या लगता है आपको, जिस तरह से अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अलायंस हमारा बरकरार रहेगा, इस अलायंस का रेलेवेंस इस अलायंस का भी यही रेलेवेंस है कि महागठबंधन की ओर ही अग्रसर हो, अगर वो दोनों मिलकर कोशिश करें कि बाकियों को भी लामबंद करें, जैसे अखिलेश ने भी बुआ जी कह के ही संबोधन किया आज तक, कोई बुरी बात उनके बारे में नहीं कही, नहीं कही। या राहुल गांधी ने जब पहली ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस दोनों युवाओं नेताओं की हुई तो उन्होंने बहुत आदर से मायावती जी के बारे में सवाल पूछा गया, तो बड़े आदर से उन्होंने उसका जवाब दिया, उन्होंने अच्छा नहीं कहा तो बुरा भी नहीं कहा लेकिन उन्होंने भी खिड़की खुली रखी। हो सकता है जो खिड़कियां इन दोनों ने खोली है वो अब काम आए।